यस लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या था अपना, कहाँ तक हो गया था, लेयर्स कर रहे थे ना। एटमॉस्फेयर, अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं, रिवाइज किया कुछ, क्या रिवाइज किया आप भी बता दो मेरे को, क्या रिवाइज किया आपने। क्या होता है एटमॉस्फेयर, लेयर में किस प्रकार से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, किस बेस पे किया है, क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ तक एटमॉस्फेयर का जो पार्ट है वो कहाँ तक अपने आप में कवर कर रहा है, कौन कौन सी गैसेस हैं। पीछे लाइट नहीं है क्या सर, लाइट ऑन कर दीजिए, दिख रहा है, ऑन करवा लीजिए उसको। क्या था एक्सटेंशन, कहाँ तक था एटमॉस्फेयर का, अबाउट 90%, 97% इफेक्टिव एटमॉस्फेयर कहाँ पे है, अबाउट 29 किलोमीटर, अबाउट 29 किलोमीटर पर आपका 97% पार्ट जो इफेक्टिव एटमॉस्फेयर का है वो कवर करता है। गैसेस कौन कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है, कितनी परसेंट है, लिखो उसको, लिखा नहीं ना कल, लिख रखी है, लिखो। नाइट्रोजन 78.08% जो गैसेस की क्वांटिटी है, 78.08%। उसके बाद O2 की 20.94%, ऑर्गन, ऑर्गन कितनी है 0.93, और फोर्थ नंबर पे CO2, फोर्थ नंबर पे CO2 ही कितनी है 0.04%। जीरो पॉइंट जीरो 4% ऑर्गन की होगी आपकी, 0.93%। सीक्वेंस से क्वेश्चन आ सकता है कि आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज में, जो नाइट्रोजन की मात्रा है 78, O2 की है 20.93 सॉरी 94, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इसी में लिख लीजिए नियॉन सीक्वेंस, सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखते हैं, नोटो जो लिखते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखते हैं ना, 78.08%। जो भी है आप लिखिए, उसके बाद नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, इन चारों का सीक्वेंस लिख लीजिए। समटाइम ऐसा होता है किसी इनमें से एक दो को स्किप करके आगे का भी दे सकते हैं ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपका गैसेस का हो गया, कौन कौन सी गैसेस थी। उसके बाद अपन ने बात की थी लेयर्स की, बात की थी लेयर्स में अपन ने 5 लेयर्स में इसको डिवाइड किया गया था, किस बेस पे डिवाइड किया गया था, हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था, या फिर टेम्परेचर बेस पे, या फिर किस प्रकार से डिवाइड किया था इसको।
हाइट और टेम्परेचर दोनों ही। ऊपर ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या था, ट्रोपोस्फेयर की बात की थी अपन ने, ट्रोपोस्फेयर की बात की थी, उसी में एक पॉइंट अपन ने लिखा था, ट्रोपोपॉज का भी लिखा था। ट्रोपोस्फेयर में क्या लिखा था, ऑल जो वेदर फिनोमिनन है वो सारे के सारे किस में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। पोलर एरियाज पे इसकी एक्सटेंड अगर हाइट की बात करें तो अप टू, आप लोग रिवीजन नहीं करके आते हो, ऐसे क्लास को कंटिन्यू करने का कोई मीनिंगफुल नहीं लगती मुझे। प्लीज रिवाइज करके आया करो, ओनली 1 to 2 पेज तो अपन राइट डाउन करते हैं, उसमें भी आप लोग रिवीजन नहीं करके आते। मैं लास्ट पॉइंट है उस, वो जो लास्ट पॉइंट अपन ने छोड़ा था उसी पे पूछ रही हूँ, वो सब जो लिखाया हुआ है अब बोल नहीं रहे या फिर पता नहीं है, वो तो आप ही सोच सकते हो किस किस का असर सबका है। क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वाटर इंटेक किया करो, नहीं होगा कुछ भी। कितनी हाइट पे जाते हैं जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एक डेटा लिखवाया था आपको, कितना, एक इसी का एक ऑब्लिक और लिखवाया था, 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री, 4-5 आ गया, अप्रोक्सीमेट 5 डिग्री सेल्सियस जो डिक्रीज होता है उसी को क्या बोला था, ऊपर जाकर के इस कंडीशन को या इस जो फिनोमिनन को क्या बोला गया था, नॉर्मल लैप्स रेट, यस और नो। जो नॉर्मल जो रेट होती है टेम्परेचर डिक्रीज होने की, ये क्या हो रही है, लैप्स हो रहा है ऊपर जाने पे। ट्रोपोपोज में क्या लिखा था, सेपरेट करता है किस चीज को, ट्रोपोपोज किसको सेपरेट करता है, ट्रोपोस्फेयर को और स्ट्रेटोस्फेयर को सेपरेट करता है। सारी की सारी वाटर और डस्ट पार्टिकल्स या जो भी वेदर से रिलेटेड जो भी कंडीशंस होती हैं, चाहे आपका क्लाउड हो, रेन, जो भी कंडीशंस बनती हैं की, सब वो सारी किस में बनती है, ट्रोपोस्फेयर में बनती है। लिख लिया था अपनी, लिख लिया था, नेक्स्ट थी अपनी स्ट्रेटोस्फेयर। ये आपकी क्या थी, ट्रोपोस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर की हाइट पे क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी हाइट कितनी बताई थी, पोलर एरियाज पे और आपके इक्वेटर पे अलग अलग थी। इसकी ट्रोपोस्फेयर की 80 किलोमीटर, यस 8 to 18 किलोमीटर, पोलर एरियाज पे कम होती है और इक्वेटर पे क्या होती है, ज्यादा होती है। रीजन बताया था कि पोलर एरियाज क्या होते हैं, चपटे होते हैं, भूमि क्षेत्र जो होते हैं, और इक्वेटर पे इसकी विड्थ ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई। अगर बात करूं स्ट्रेटोस्फीयर की तो इसकी हाइट कितनी होती है, इट्स एक्सटेंड टू अप टू 50 किलोमीटर। अलग अलग बुक में अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट जो एनसीईआरटी को अपन एक बेस मान के चलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो क्या होती है आपकी ऑथेंटिक बुक होती है किसी भी पब्लिकेशन की बजाय, तो एनसीईआरटी आपको कितनी मानती है, 50 किलोमीटर मानती है। 50 किलोमीटर की हाइट पे क्या आपका स्ट्रेटोस्फीयर है, कल अपन ने कुछ बात की थी स्ट्रेटोस्फीयर से रिलेटेड, कुछ बात की थी, क्या क्या कंडीशन बनती है इसमें, क्या क्या कंडीशन बनती है, क्या बताया था, कल ओजोन लेयर है और क्या है इसमें, एयरक्राफ्ट का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, इसी की बात कर रहे थे। क्या
अबाउट 50 किलोमीटर में आपको क्या क्या दिख रहा है? ओजोन लेयर और एयरक्राफ्ट का जो मोमेंट होता है। अब इसमें एक स्पेसिफिक रीजन है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, इस स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? में भी अब इतना ही हो पाएगा। दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा वो फ्रंट सीट पे हो। इस स्टेटोस्फेयर में एक खास बात क्या है, अपन ने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा कि जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। जब अपन जा रहे थे इस पोलर एरिया से, तो यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होकर के कितना हो गया था, माइनस पोलर एरियाज पे आपका इक्वेटर पर -45 डिग्री और इक्वेटर पे हो गया था आपका -80 डिग्री। टेम्परेचर क्या हो गया था, डाउन हो गया था। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में इस टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होकर के यहाँ पे टेम्परेचर कितना चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। अब 0 डिग्री ज्यादा है या -45 या ये जो 80 डिग्री सेल्सियस ये ज्यादा है, 0 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है, ओजोन लेयर नहीं है क्या? बात नहीं कर रहे थे, ओजोन लेयर नहीं है। ओजोन लेयर क्या है, यहाँ पे इसी में तो है। और जो भी ऊपर से जो रेज आ रही है, सोलर रेज आ रही है, सोलर रेडिएशंस, वो यहाँ पे क्या कर रही है, अब्सॉर्ब कर रही है। अब्सॉर्ब करेगी तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा या नहीं होगा? इंक्रीज होगा, कि जो -45 का 80 डिग्री टेम्परेचर जा रहा था वही आपका इंक्रीज होगा, कि कितना हो जाएगा, 0 डिग्री पे आ जाएगा। या आप क्लास में तो हंस लीजिए या फिर क्लास अटेंड कर लीजिए, उठ जाओ यहाँ से, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक साथ बैठ के आप क्लास ले ही नहीं पाते हो। कम हाँ, आप भी इनके साथ बैठ कर के पीछे जो बोल रहे हैं उन पे आप भी इनका साथ दे रहे हो पूरा। आप यहाँ बैठ जाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, पीछे वाली भी बैठ जाओ इस पे, और पीछे जाना नहीं है, यहीं बैठो। तो क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अब यहाँ पे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इसकी जो कंडीशन बनती है वो टेम्परेचर इन्वर्जन की टेम्परेचर की कंडीशन बनती है, जिसको बोलते हैं तापमान व्युत्क्रमण, उसको इंग्लिश में बोलेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर डाउन है और यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया, तो नीचे की साइड टेम्परेचर कम, ऊपर की साइड टेम्परेचर हाई, फिर जाएंगे, फिर डिक्रीज हो जाएगा, फिर हाई हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग स्फेयर में अलग अलग तरीके से बनता रहेगा। तो इसमें लिखो सबसे पहले इट्स एक्सटेंड टू स्ट्रेटोस्फेयर, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड पॉइंट, कल वाला पॉइंट क्लियर है, ट्रोपोस्फेयर का, ट्रोपोपोज का अपन ने लिख लिया था, लिखा आपने, राइट डाउन की थी, हो गया था ना पूरा डन। नेक्स्ट लिखो इट्स एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर, इट्स एक्सटेंड टू अप टू अबाउट 50 किलोमीटर, वेयर एटमोसफेयर, सॉरी वेयर स्ट्रेटोपोज सेपरेट फ्रॉम द, मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर से सेपरेट करेगी, क्योंकि थर्ड वाली क्या है आपकी, मेसोस्फेयर, इसको अब इसकी हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर तक। इन दिस लेयर द टेम्परेचर, इन दिस लेयर द टेम्परेचर इंक्रीज, इन दिस लेयर द टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, विद इंक्रीज इन हाइट, मीनिंग ये जो लाइन है समझ में आई, क्लियर है सबको? पीछे ये इस एग्जैक्ट डाटा कोई नहीं पूछेगा, बस आपको एक अप्रोक्सीमेट बताया गया है कि -45 डिग्री है और -80 डिग्री के अप्रोक्सीमेट पोलर और जो आपका इक्वेटर वाला पोर्शन है वहाँ पे जाकर के डाउन 80 डिग्री।
इक्वेटर पे 45. टेम्परेचर क्या होता था आपका, डिक्रीज हो जाता है. इन दिस लेयर द टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट. हाइट के साथ क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. दिस फिनोमिनन इज नोन एज, दिस फिनोमिनन इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन. हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसी को क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन. अब इम्पोर्टेंट कर लेना कि टेम्परेचर इन्वर्जन का जो घटना होती है वो कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है. अब वो सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि इसकी हाइट कितनी है या जो भी है, इस तरीके से जो छोटी छोटी लाइनें हैं ना इन्हीं में क्वेश्चन बनेंगे. लग रहा है कि कोई और अलग से कुछ ऐसा होगा जिसमें से क्वेश्चन बनेंगे. आप लास्ट ईयर का कोई 10 साल पुराने पेपर की बात नहीं करी, लास्ट ईयर का एनडीए का पेपर आप उठा करके देख लेना, सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं. जब अपने लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात की, मैंने पूरा प्रॉपर आपको बताया था लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, ये जो लाइन होती है इससे वेस्ट की ओर जाती है, वो आपकी क्या रहती है, लेटिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं, लेटिट्यूड और नॉर्थ टू साउथ की ओर आते हैं, वो क्या होते हैं आपके सेम क्वेश्चन के. बोथ आर ऑप्शन आर राइट. ये सेम क्वेश्चन आया हुआ, देख लिया होगा, देखा नहीं देखा लास्ट ईयर का पेपर. ये आप लोग हैं ना जो स्पेशली एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनकी बता रही हूँ, पेपर उठा करके देखो आपको पता नहीं चलेगा सेम क्वेश्चन आया हुआ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कि बहुत सारे ऑप्शन करेक्ट हैं या नहीं है. अब वहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि अगर दोनों ऑप्शन राइट हैं तो दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक और दो दोनों लिखेंगे, बोथ वन बोथ नन ऑफ दीज या ओनली वन ओनली टू, इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे. होता क्या है जनरली अपने को दो ऑप्शन मिल गए उन्हीं में से टिक करना होता तो कोई बात नहीं. अब दोनों दे दिया आपको कि बोथ भी करना है, वन भी करना है, सेकंड भी करना है, तो उसमें आप क्या करोगे, फिर उसमें आपको क्लियरिटी होगी. अब अपने को माइंड में रहता है कि ऐसे अपन तो और दिमाग लगाते रहेंगे इसमें तो क्या ही क्वेश्चन आएगा. सिंपली पूछा था कि इनकी डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, ईस्ट टू वेस्ट होती है आपकी लैटिट्यूड की, नॉर्थ टू साउथ आपका, ये इस तरीके से आपकी किसकी कंडीशन बनती है, आपकी लॉन्गिट्यूड की बनती है. यही क्वेश्चन था, एक 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 क्वेश्चन आपके लिए मायने रखता है, चाहे एयरफोर्स का हो चाहे नेवी का हो, जो भी आपका है उसमें भी इस तरीके से जीके क्वेश्चन आए. और जीके का पार्ट कोई कम पार्ट नहीं है, आपने देख रखा कि सेकंड पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश और जीके पे ही है सारा, साइंस को मिला करके. नेक्स्ट, बाकी इसमें और कुछ लिखने की जरूरत है नहीं कि कितना क्या डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है, -60 के अबाउट टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, फिर जब ये इंक्रीज होता है इसी स्ट्रेटोस्फीयर में तो लास्ट प्लस जाकर के कितना हो जाता है, 0 डिग्री जाता है, 0 डिग्री पे आएगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक माइनस से जाकर के 0 पे आएगा तो इंक्रीज हो गया. नेक्स्ट लिखो मेसोस्फीयर, इसी के अंदर एक बार ओजोन स्फीयर को भी कर लेते हैं. ओजोन स्फीयर छोटा पॉइंट स्फीयर में नहीं आएगा, बट आप ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसी में ओजोन लेयर का लिख सकते हो, इसी को ओजोन लेयर लिख लीजिए. ओजोन स्फीयर लिखोगे तो आप स्फीयर में वो हो जाएगा आपको कि स्फीयर ओनली 5 है और आप ओजोन को उसमें लिख दोगे तो वो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी. ओजोन लेयर लिखो, ओजोन लेयर पॉइंट लिखने के बाद लिखो द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर देयर इज कंस्ट्रक्शन concentration of there is concentration of ozone gas ya ozone is often to called ozonosphere ya ozone layer, it's called ozonosphere ya ozone layer. ek jo iska region especially it's absorb the harmful अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. स्ट्रेटोस्फीयर इज द स्ट्रेटोस्फीयर इज फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर एंड ऑल्सो एटमोस्फेयर turbulence and also atmosphere turbulence. जो एटमोस्फेयर होने वाली जो घटनाएं हैं उन सबसे क्या रहता, फ्री रहता है. इट मीन्स आपका ट्रोपोस्फीयर में सारी जो भी घटनाएं होती है वो कहां पे होंगी,
इसमें हो जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर में हो जाएंगे, तो ये सबसे फ्री रहता है। एयरक्राफ्ट का भी एग्जांपल लिख सकते हो कि एयरक्राफ्ट का जो मोमेंट होता है वो किस में होता है, इसी स्ट्रेटोस्फेयर में हो सकता है, सॉरी होता है। देखो इसी में ऐड कर दो इसको, दिस लेयर ऑल्सो आइडियल फॉर फ्लाइंग, दिस लेयर इज ऑल्सो आइडियल फॉर फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट। ये जो पॉइंट बना बना करके लिख रहे हो ये एज इट इज, यही आपके क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ये जो पॉइंट बना बना करके लिख रहे हो ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन है। टॉपिक्स इस तरीके से क्लियर है, हिस्ट्री में आपका वास्ट सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ोगे तब जाकर के आएगी, लेकिन ज्योग्राफी में आपका नो डाउट सिलेबस इसका भी ज़्यादा है, बट जो टर्मिनोलॉजी आपकी आएंगी ना वो एज इट इज आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा घुमा फिरा के चीज़ें नहीं आएंगी। अब ये पॉइंट अगर आपने ये 3-4 लाइन आपने एज इट इज याद रख लेना, तो इस लेयर में होने वाली जो भी इंसिडेंट्स हैं वो तो सारे आप कर सकते हो। नेक्स्ट लिखो मेसोस्फेयर, MESO केवल मेसोस्फेयर, इट्स लोकेटेड अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर एंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर, एंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट, इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट। अब यहाँ पे जो होता है, जो यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, ये यहाँ पे जाकर के कितना इंक्रीज होगा, -100 डिग्री। एज इट इज बनाना है आपको, और इसी में आगे लिख लेना इसमें ब्रैकेट में करके, यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका इस मेसोस्फेयर में, -100 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसमें, हो जाएगा -100 डिग्री। 80 किलोमीटर की हाइट तक जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, स्ट्रेटोस्फीयर पे कितना था, 0 डिग्री, जब ये इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज होगा तो क्या होगा, माइनस। इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। स्पेशली कोल्डेस्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि टेम्परेचर -100 डिग्री में जाता है, उसके बाद और जो पर्टिकुलर अगर बात करूं मैं, बीइंग ए ह्यूमन एक्टिविटीज, उसके अलावा अप टू अपन स्ट्रेटोस्फीयर में लास्ट अपनी एयरक्राफ्ट का मूवमेंट होता है, उसके बाद अपना कोई भी रोल नहीं होता है। तो अब 100 डिग्री टेम्परेचर जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर यह क्या हो जाता है, इससे कोल्डेस्ट लेयर में जाती है, उसके बाद जाकर के टेम्परेचर पूरा बिल्कुल डिक्रीज ही होना है। अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फेयर, अपर लिमिट ऑफ द किसी भी, जब अपन ने कल बात की थी ये जो पर्टिकुलर आपकी 2 से 5 किलोमीटर की एक लेयर बनी होती है, एक बाउंड्री बनी होती है, उसको हमेशा बोला जाता है पॉज, जहाँ पे टेम्परेचर की एक डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाती है कि इससे इसको डिफरेंस किया जाता है, इसको सेपरेट किया जाता है। तो जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है इसको ट्रोपोपॉज बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वही सेम 2 से 5 किलोमीटर की एक बाउंड्री बनी होती है, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपोज। वहाँ पे टेम्परेचर आपका मेंटेन करता है, उसके बाद आपका टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। सेम यहाँ पे कौन सा बन जाएगा आपका, मेसोपोज, और ये आपका आइनोपोज बन जाएगा। उसके बाद यह एक्जोस्फीयर को जब अपन पढ़ते हैं तो ये आउटर स्पेस में मिल जाते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, जहाँ तक अपन ने, अब ये समझो कि ये जो पार्ट है, ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, ये किसके इक्वलेंस चल रहा है, आपने अगर पढ़ा है तो किसके इक्वल चल रहा है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के। उसमें अपन ने अर्थ के इंटीरियर पार्ट की बात की थी, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं आउटर स्पेस की बात कर रहे हैं। अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फेयर इज कॉल्ड, या इट मार्क्ड मेसोपॉज।
फोर्थ पॉइंट लिखो आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर इट्स लोकेटेड अबव द मेसोस्फेयर एंड अप टू 600 किलोमीटर. अभी जैसे लाइन लिखवाई जाती है उसको लिखने की कोशिश किया करो, क्योंकि जितना शॉर्ट आप यही बना दोगे ना, तो फिर जैसे फाइनल नोट्स तैयार करते हैं ना, कब कब तैयार करते हैं, जब अपन इनको 5 to 6 टाइम रिवाइज कर लेते हैं, तो बाद में क्या होता है, अपन इस पूरे टॉपिक को समराइज करते हैं और 8 to 10 लाइन में इसको ख़त्म कर देते हैं मैक्सिमम. 8 to 10 लाइन में इसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. वो कंडीशन कब आती है, जब अपन इसको 5 to 6 टाइम रिवाइज कर लेते हैं, तो ये सारा समराइज हो जाता है. तो अपन क्या करते हैं, इसकी मैक्सिमम इस टॉपिक को, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर को, टॉपिक को क्या कर देते हैं, पूरे इस डायग्राम में समेट देते हैं. तो वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है. लेकिन अब जो चीज़ें लिखवाई जाती है ना, अगर पॉइंट लिखवाया जाता है तो उसको पूरा लिखने की कोशिश किया करो, ताकि आप उस पॉइंट से कोरिलेट कर पाओ. नहीं तो क्या होगा, आपने लिख दिया 80 किलोमीटर या जो भी, मतलब आप लिख रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज, लिख दिया आपने, इसमें डिक्रीज हो रहा है, उसमें इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके से लिख दोगे, लेकिन रीज़न समझ में नहीं आएगा. अगर लाइन पूरी लिखी हुई मिलेगी तो आप रीज़न को फाइंड आउट कर सकते हो. अब इसका रीज़न पता चल गया ना, अगर ओजोन लेयर आपने नहीं बनाओगे, नहीं करोगे, तो पता नहीं चलेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा था यहाँ पे. तो इस तरीके से जो पॉइंट बताया था पूरा लिखना होता है. इट्स एक्सटेंड अप टू अबाउट 600 किलोमीटर. मैनली इसमें क्या वर्क होता है, मैनली इसमें क्या वर्क होता है, सैटेलाइट का होता है और इलेक्ट्रिसिटी का. स्पेशली सैटेलाइट है वो आपका अर्थ से रिफ्ट, जो भी अपन जो वेव्स जो आती हैं, जो वेव्स आते हैं वो क्या होती हैं, अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस इस आयनोस्फेयर में जाते हैं, और इसी से ही जो रेडियो का जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, पॉसिबल हो पाता है. और जितने भी अपन सैटेलाइट्स इनकी बात करते हैं वो सारे इसी लेयर से रिलेटेड होते हैं. तो क्लियर है, लिखो इट कंटेन्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इट कंटेन्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आयंस, आयंस IONS, आयंस दैट रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ, रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ. इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आयंस होते हैं जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर के, जो इस आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पर वापस आते हैं. दैट्स वाई मेकिंग रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल. रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल किस वजह से है, इस आयनोस्फेयर की वजह से ही आपका रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल है. अब इसमें जो मीटियोर्स आते हैं ये वाले, जिनको उल्का पिंड बोलते हैं, ये क्या करते हैं स्पेशली जब आते हैं, अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया था, अब इस वाले जो आयनोस्फेयर इसमें वापस टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या आयंस क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, तो इंक्रीज होता था वापस टेम्परेचर. और इतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, जो ये आते हैं ये अर्थ पर आने से पहले ही वहीं क्या हो जाते हैं, टेसनेस हो जाते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो एक्सोस्फेयर. इसको गूगल पर गलत लिखा हुआ, ट्रोपोस्फेयर नहीं होती है, आयनोस्फेयर ही बोलते हैं इसको, आयनोस्फेयर बोल सकते हैं, थर्मोस्फेयर बोल सकते हैं, बट ये एक्सोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर कभी नहीं होगी, ये आपकी गलत है. द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ, इट्स कॉल्ड एक्सोस्फेयर. This zone extends up to about 900 kilometer.
900 किलोमीटर के आगे आउटर स्पेस में इसकी कोई सीमा नहीं है। द अपर लिमिट ऑफ द एक्सोस्फेयर, द अपर लिमिट ऑफ द एक्सोस्फेयर इन अनसर्टेन, अनिश्चित है, अनसर्टेन एज दिस लेयर this layer acts as a transition layer, transition this layer acts work kya hota hai act as a transition layer, transitional layer between the earth's atmosphere, between the earth's atmosphere and the outer space, and the outer space. Next line, the outer part of the exosphere is called magnetosphere. अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो कहीं ना कहीं आपकी इंटीरियर ऑफ द अर्थ से सिमिलरिटी हो रही है। निकल और फेरस थे इसमें इनर कोर के अंदर, और मैग्नेटिक की वजह से पता चल रहा था कि कितने कोर में अपन जा सकते हैं। टेम्परेचर क्या हो रहा था, 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, इतना ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जैसे जैसे आप और अगर पढ़ते हैं तो सन की लेयर आ जाती है, जिनको फोटोन वगैरह थर्मोस्फीयर और भी होती हैं, जो इतना डीपली आपके दे नहीं रखा, वो भी आपकी किससे रिलेट हो जाते हैं, जहाँ पे सन से रिलेट हो जाते हैं। तो ये वाला डायग्राम बना लिया सबने, जिसने भी नहीं बनाया फटाफट से बना लो उसको दो मिनट में, जैसा भी एक बार रफली बना लो, उसके बाद फेयरली वर्क इसी तरीके से करना है इसमें। रिवाइज करो, जो बना रहे हैं उनको बनाने दीजिए, बाकी रिवाइज करो। क्या क्या पढ़ा अपन ने, इसमें वैसे ज्यादा कोई उसमें बताने वाली बात ही नहीं, दोनों चीजें आ जाएंगी इसमें। 165 मीटर की हाइट पे जाकर के टेम्परेचर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। सेम उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, किसी में कंफ्यूज मत होना। 1 किलोमीटर पे जाओगे तो आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस, और उधर 165 मीटर पे जा रहे थे तब 1 डिग्री सेल्सियस हो रहा था। तो ये एक एग्जैक्ट डेटा है, इसको याद रखना। उसके बाद 5 लेयर्स हैं उनको याद रखना है। लेयर को डिवाइड किस प्रकार से किया है, जितनी भी क्लाइमेटिक रूप से जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बादलों का बनना होना सारी चीज़ें, ये कहीं पर हो जाएंगी आपकी ट्रोपोस्फीयर में हो जाएंगी। जो भी स्ट्रॉम्स वगैरह आने हैं, तूफान वगैरह, सब सारी चीज़ें किस में हो जाएंगी आपकी, ट्रोपोस्फीयर में हो जाएंगी। हर एक के बीच में 2 से 3 किलोमीटर की एक सीमा बनी हुई है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। पॉज की कंडीशन देखिए, ट्रोपोपॉज हो गया, ये स्ट्रेटोपॉज हो गया, मेसोपॉज हो गया, ये आपका आइनोपॉज हो गया। टेम्परेचर क्या हो रहा था स्टार्टिंग में, टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, इस प्रकार से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो,
नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कल अपन ने बात की थी टेम्परेचर की, प्रेशर की और डेंसिटी की। तीनों ही ऊपर जाते हैं तो क्या होती है? कम होती है, और नीचे जाते हैं तो क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है। जैसे जैसे अपन हाइट पर जाते हैं, पहाड़ी वाले एरिया में जाते हैं, आपने देखा होगा टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज होता है, वैसे ही प्रेशर भी क्या जाता है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज होगा तो अपने को क्या होना फील हो जाता है? सांस लेने में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। सेम किस कहाँ पे होता है? एयरक्राफ्ट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जब बैठते हैं। माउंटेन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पे भी आपने देखा कि प्रेशर आपका क्या होता है? कम होता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये कहीं पे भी इक्वल नहीं होता है। ऐसे नहीं है कि सरफेस पे इक्वल है। आप देखो, कई बार आप फील करोगे बेसमेंट, कई बेसमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको इतना सफोकेट फील नहीं होगा, बट कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे बेसमेंट में जाने पे क्या होता है? सफोकेशन बहुत ज़्यादा फील होता है। तो उसके रीज़न क्या होता है? प्लेटू वाले रीज़न पे अपन चले जाते हैं, कहीं पे फ्लैट एरिया में भी अपने को क्या हो जाता है? प्रेशर फील होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? कि ये कहीं पे भी इक्वल नहीं है, अनइवन है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कहीं पे भी इक्वल नहीं है। वो देखा जाता है कि कंडीशन कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। आप हवा चलनी बंद हो जाए, अपने को अच्छे खासे प्लेन एरिया में भी है ना, वहाँ भी अपना जी घबराने लग जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या है? एक प्रकार से वायु है, और वायु का क्या रहता है? प्रेशर की खास बात होती है हमेशा ये, सॉरी, वायु की क्या बात होती है? खास बात क्या होती है? ये हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर जाती है। विंड की खास बात क्या होती है? पवन की, वायु की खास बात क्या होती है? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। ग्रेविटी की वजह से सबसे ज़्यादा जो वायु है वो आपके कहाँ पे मिलेगी? नियर द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के पास में सबसे ज़्यादा ग्रेविटी कहाँ पे होती है? सरफेस एरिया में सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगी? वायु मिलेगी। आप माउंटेन पे चले जाओ, एक बार के लिए लगेगा आपको हवा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वायु का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होगी वो विरल मात्रा में हो जाएगी। किस प्रकार से होगी? क्योंकि उसके सामने ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगे। अब यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे बिल्डिंग बनी है, एक किलोमीटर का ऐसा एरिया निकलेगा जहाँ पे कुछ नहीं है, तो ईजिली मूवेबल हो जाएगी। फिर कोई बिल्डिंग आ गई, कि ये बिल्डिंग्स हैं जो भी हैं आपके सामने, फिजिकल स्ट्रक्चर जो भी बने हुए हैं अर्थ के सरफेस पे, ये क्या करते हैं? ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं वायु को गतिमान करने के लिए, एक प्रकार से हवा को गतिमान करने के लिए। तो हर कंडीशन में प्रेशर क्या होता है? अलग अलग होता है। वायु की खास बात है कि प्रेशर हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर जाएगी, जो मूव करने की कंडीशन होती है। ऊपर की ओर जाते हैं, टेम्परेचर भी डिक्रीज, प्रेशर भी डिक्रीज, डेंसिटी भी डिक्रीज। डेंसिटी किसकी डिक्रीज होगी? गैसेज की स्पेस पे। आपने देखा होगा अप टू 97% जो एटमोसफियर क्या है, गैसेज, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, यही है एटमोसफियर। इसमें अपने वो कुछ नदी वगैरह बनी हुई थोड़ा ना दिख रही है, कोई लेक वगैरह थोड़ा बनी हुई दिख रही है, यही है। ये जैसे जैसे जाते हैं 29-30 किलोमीटर की हाइट पे जाते थे, जो इफेक्टिव जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? 97% पार्ट अपना कवर हो जाता है। तो ये क्या होता है? इक्वल कहीं पे भी इक्वल नहीं होता है। और नहीं होने के पीछे रीज़न अलग है, टेम्परेचर भी है, डेंसिटी भी है, क्लाउड्स हैं, रेन है, बहुत सारे इसके पीछे, एल्टीट्यूड हाइट भी है, ऊंचाई जिसको अपन बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या आपकी इसके पीछे फैक्टर हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पीछे ये सारे क्या हैं? फैक्टर हैं, कम और ज़्यादा होने के पीछे। सेम इसी को ही अपन जब बात करते हैं ग्लोब पे, तो बात करते हैं ये आपका 0° इक्वेटर है। इसको जो मेजरमेंट करने का तरीका है वो क्या है? मिलीबार। इसमें करते हैं अपन इसको मेजरमेंट, एट प्रेशर को मेजरमेंट किसमें करते हैं? मिलीबार में करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? पास्कल। इसकी यूनिट क्या होती है? मिलीबार पास्कल। सेम क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर कि एटमॉस्फेरिक में आपका प्रेशर है, इसको मेजरमेंट करने का जो यूनिट है वो क्या है? चार ऑप्शन आ रखे थे, उसमें एक ऑप्शन था
मिली बार। आप चाहो तो अपना लास्ट ईयर का पेपर गूगल से सर्च करके उठा करके देख सकते हो। अभी फिर बता रही हूँ, जो भी पढ़ाया जाता है पॉइंट टू पॉइंट आप तो उसको रिवाइज कर लिया करो, आपको इतनी सारी बुक्स उथल पुथल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी 3-4 बुक का मटेरियल NCERT इंक्लूड करके आपका मटेरियल जो होता है आपके सामने जो आप राइट डाउन करते हो, वो 3-4 बुक्स मिल करके होती हैं। आपके जो चलती है पार्ट जो आपने बताया था, कौन सी वो क्या बुक है उसमें पब्लिकेशन कौन सा का पार्ट, वो भी जो एक दो पब्लिकेशन और भी हैं। मैं स्पेशली अपनी जो NCERT की बुक है 11th की, आपके 11th 12th से ऊपर नहीं आएगा। 12th में आपको बताया कि वुमन ज्योग्राफी चलती है, उसका कोई रोल ही नहीं होता है, वुमन ज्योग्राफी का पार्ट नहीं होता, आपके नए के बराबर पार्ट होता है, वो भी है, वो भी इंडिया वाले में है, वो भी आपका इसका नहीं है, वो भी मिनरल्स का और कुछ रिसोर्सेज के टॉपिक है जो आपके इसके नहीं है। ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं फिजिकल स्ट्रक्चर के, जो फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे आपके 11th से हैं। 11th की NCERT से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। किसी को और भी इसकी डीपली स्टडी करनी है, लग रहा है कि मेरे को ये मैटर कम लग रहा है, सफिशियंट नहीं लग रहा, तो आप 11th की NCERT को फॉलो करना। क्योंकि NCERT क्या होती है, ऑल इंडिया में NCERT चलती है, ऐसा तो है नहीं कि अपन कोई RPSC बुक पढ़ रहे हैं। NCERT पैटर्न करता है, CBSE बोर्ड आपका सेम बुक चलती है, अब तो राजस्थान बोर्ड में भी सारी चीज़ें सेम हो गई है, वो वाली चीज़ें तो रही नहीं। तो अगर फॉलो भी करो तो किसी और किसी पब्लिकेशन के बजाय आप फॉलो करो तो किसको करोगे, NCERT को करना। उसमें आपको जो भी डेटा मिले, कल को कोई क्वेश्चन पे अगर आपको कोई क्वेरी लगानी है, करना ही है, कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, वो आप इजीली उसी से ऑप्शन, एकमात्र वही चलता है, कोई भी पब्लिकेशन आपकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला नहीं होता है। इसलिए अगर कोई डेटा में कोई डाउट होता है तो वो किससे फाइंड आउट करोगे, आप NCERT से करोगे, गूगल में कोई ज़रूरी नहीं है लेयर का। बाकी ऐसे कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन कभी देता भी नहीं है NDA, ये भी एक खास बात हुई। सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, पहली लाइन आ रखी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो टॉपिक आप पढ़ोगे, पहली लाइन है, उसमें थोड़ा सा डिटेल से बताया गया कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्टिव करते हैं। उसके बाद पहली लाइन आपकी कि इसकी जो मेजर करने की यूनिट है वो किस में मापी जाती है, अप टू 5 किलोमीटर में आपका प्रेशर, जैसे हाइट से जाते हैं आपका 70-50% जो पार्ट है वाटर वेपर का वो आपके कहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, यहीं पर अप टू 5 किलोमीटर में कवर हो जाता है, कैसे कैसे डिक्रीज होता है वो भी बताया गया है। तो अगर फॉलो भी करो तो किसको फॉलो करना, आपको ये जो बार बार आप पब्लिकेशन खोल खोल के देखते रहते हो, गूगल खोल खोल के देखते रहते हो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। बुक ले आना खरीद के, ज़्यादा नहीं 11th के ले आना, सफिशियंट है। आपके 12th बेस पे एग्जाम होती है, NDA में 12th से पहले आफ्टर 12th के कोई भी क्वेश्चन आपसे डीपली पूछा ही नहीं जाएगा। क्लियर है? यस बेटा, क्वेश्चन पे भी खुशी का ऐड ऑन है, बहुत डीपली दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप पढ़ने लग जाओगे ना, इतना डीपली दे रखा है कि आप उसमें से निकल ही नहीं पाओगे। वो दिखने में इतनी सी है, लगता ही ऐसी है, उसमें लाइनें इतने महीन महीन, इतना मटेरियल लिखा हुआ है कि आप उसमें उलझ जाओगे। कुछ नहीं, अगर किसी के पास इतना टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ ना, उसके पास बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अब लिखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, टॉपिक, न्यू टॉपिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नाइदर द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नाइदर द सेम फॉर ऑल द रीजंस नॉर द सेम फॉर वन रीजन ऑल द टाइम रिपीट करूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नाइदर द सेम फॉर ऑल द रीजंस नॉर द सेम फॉर वन रीजन ऑल द टाइम। आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग होता है। इट्स अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर। अब फैक्टर की डिटेल कभी नहीं पूछेगा, बट क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्टिव करते हैं, किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो कौन कौन से होंगे लिखो, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड,
एंड अर्थ रोटेशन। टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, अर्थ अर्थ रोटेशन। इफेक्टिव करते हैं। अगर डिटेल से नहीं पढ़ा होगा या नहीं पता होगा तो कभी भी नहीं माइंड में आएगा, उसमें और ऑप्शन मिल गए तो आप अर्थ रोटेशन अगर आपने नहीं लिखा होगा तो कभी ध्यान में नहीं आएगा कि अर्थ का रोटेशन भी आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करता है क्या। आप अकॉर्डिंग टू सीजन देखो, अकॉर्डिंग टू सीजन विंटर सीजन और समर सीजन में आप देख सकते हो कि आपके प्रेशर ऑटोमेटिक आप फील कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू बेल्ट, बेल्ट में डिवाइड किया गया है, इसको लिखो, देयर आर सेवन प्रेशर बेल्ट्स आर द ग्लोब। फर्स्ट लिखो इक्वेटोरियल इक्वाटोरियल प्रेशर बेल्ट, अब इसके बारे में बहुत डिटेल से दे रखा है। अब सेवन कैसे होंगे पहले तो ये ध्यान में रखना कि सेवन कैसे होते हैं। जो भी अपन बात करेंगे वो बहुत हेमिस्फीयर की बात करेंगे। ये आपका 0 डिग्री है इक्वेटर का पार्ट, 0 to 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये एक बेल्ट काउंट होगी। सिर्फ यहाँ पे एक बेल्ट के रूप में ये काउंट होगी, बाकी दोनों में सेम बेल्ट के रूप में काम करेंगे। ये आपकी 0 to 5 डिग्री, ये आपके 5 नॉर्थ और साउथ में, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसी को क्या बोलेंगे, ये बीच में छूट गया, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 0 to 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ब्रैकेट में कर दो बॉथ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट लिखो इसी में, इट रिप्रेजेंट द जोन ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन का जोन समझते हो, कन्वर्जन जोन, ये क्या हो गया, कन्वर्जन जोन हो गया दोनों हेमिस्फीयर का। द कन्वर्जन, द जोन ऑफ कन्वर्जन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। याद हो और लास्ट क्लास थी या उससे पहले लास्ट क्लास थी, उसमें अपन ने ट्रेड विंड के बारे में बात कर रहे थे, ट्रेड विंड के बारे में बात की थी, उनकी लोकेशन क्या थी, ये आपका नॉर्थ और ये आपकी, अब इसकी लोकेशन क्या है इन विंड्स की, अब जो बात करेंगे अपन विंड्स की बात करेंगे, वो विंड से क्या होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर निर्धारित होता है। अब जब अपन बात कर रहे थे, ध्यान दे लीजिए, ये जो पॉइंट है ये अगेन रिपीट नहीं होगा, क्यों बन रहा, किसका कन्वर्जन हो रहा है वो नहीं समझ में आएगा बार बार। ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड है और ये प्रचलित है पूरी, ये परमानेंट है, इनमें अपन कोई हेर फेर नहीं करते। अपन ने बात की थी ये आपकी ट्रेड विंड है, इस वाले जोन से चलने वाली जो है ये, इनको क्या नाम दिया गया था, ट्रेड विंड। और ट्रेड विंड क्यों दिया गया था ये आपको रीजन बताई दिया था उस दिन, पहले हॉर्स का व्यापार बहुत ज्यादा होता था, घोड़े का व्यापार बहुत ज्यादा होता था, तो कहा जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जब जहाज में बहुत ज्यादा वजन हो जाता था तो सबसे पहले उन घोड़ों को उतार करके ओशन में फेंक दिया जाता था।
तो इन विंड्स में कभी कभी जो नाम आता है वो फोर्स विंड के रूप में भी नाम आ जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, तो जिस जहाज में लेकर के जाते थे उसमें फोर्स को लेकर के जाते थे, और जब सामान के बजाय जो फोर्स होते थे उनको ओशन में डाल देते थे, तब उन इस वजह से उनको कई बार फोर्स विंड भी बोला जाता है इन ट्रेड विंड की जगह। आफ्टर ट्रेड विंड की जगह ये जो डायरेक्शन होती है अबाउट 40 to 50 डिग्री में, ये आपकी क्या कौन सी होती है? वेस्टर्लीज विंड होती हैं। उसके बाद वापस ये वाली विंड होती हैं, ये आपकी कौन सी होती हैं? पोलर विंड। अब देखो सारी जो विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन यही रहने वाली है, परमानेंट डायरेक्शन है। ऐसे हवा आपकी चेंज होती रहती है, वायु का प्रेशर अब वो अप डाउन होता रहता है, लेकिन ये जो विंड्स हैं, ये ट्रेड विंड्स हैं, इनकी लोकेशन हमेशा क्या रहेगी? साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। वेस्टर्लीज की क्या रहेगी? नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अब ये जो जोन है, ये लो प्रेशर का जो बेल्ट है, ये क्यों बना है? दोनों विंड आकर के यहाँ पे नीचे क्या हो रही है? उतर रही है हवा, यहाँ से उठ करके आई और यहाँ पे जा करके उतर रही है, यहाँ से उठी। अच्छा, हवा जब कब उठती है? हवा जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हवा क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठेगी, यही प्रोसीजर होता है। कैसे होगी? अब सरफेस के पास नियर बाई क्या होता है हमेशा? टेम्परेचर। उसको लॉजिकली समझो, थोड़ा सा लॉजिकली समझो, कल अगेन बता दूंगी। अर्थ के सरफेस के पास क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा कहाँ पे? इक्वेटर पे, क्योंकि सन की रेज क्या आ रही है? डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है। सन की रेज डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है, टेम्परेचर क्या आ रहा है? ज़्यादा हो रहा है। अब टेम्परेचर जैसे ज़्यादा होता है, हवा क्या होगी? हल्की होकर के ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी जब ये ट्रेड विंड यहाँ पे आ रही है, तो ये दोनों तरफ से इनकी डायरेक्शन क्या है? इनका मोमेंट तो इधर ही हो गया, ये दोनों तरफ से आकर के कहाँ पे आ रही है? अब यहाँ पे जैसे हवा ऊपर उठी, हवा ऊपर उठ के कहाँ चलेगी? यहाँ चलेगी। और ये वाला जोन किस कैसा होगा? इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम हो गई। जैसे डेंसिटी कम होगी, ये विंड्स आएंगी और यहाँ पे ये आकर के किससे मिल जाएंगी? इस वाले बेल्ट में आ जाएंगी, क्योंकि ये लो प्रेशर का बेल्ट हो गया। हवा हल्की होकर के ऊपर उठ गई, दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, तो ये कैसा प्रेशर का बेल्ट हो गया? लो प्रेशर का बेल्ट हो गया। इनकी डायरेक्शन है वो क्या है? फिक्स है। अब ये विंड्स आकर के कहाँ पे मिल रही हैं? इस इक्वेटर वाले पार्ट में आके मिल रही हैं। जो किसका बेल्ट है? लो प्रेशर का बेल्ट है। लो प्रेशर का बेल्ट है तो यहाँ पर ही आकर के मिल रही है, तो ये कौन सा एरिया हो गया? कन्वर्जन विंड का एरिया हो गया। कन्वर्जन विंड का एरिया किसका हुआ? जो ट्रेड विंड है। यही लाइन लिखी है अपन ने, क्या लिखा अपन ने? रीड करो उसको। इट रिप्रेजेंट द जोन ऑफ कन्वर्जन टू नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से जो ट्रेड विंड आ रही हैं, इनका कन्वर्जन हो गया, मिल गया आपस में। क्यों मिली? क्योंकि ये किसका एरिया है? लो प्रेशर बेल्ट का एरिया। लो प्रेशर बेल्ट का एरिया क्यों बना? क्यों बना लो प्रेशर बेल्ट का एरिया? टेम्परेचर ज्यादा है, हवा हल्की होकर के ऊपर उठी। जैसे हवा हल्की होकर के ऊपर उठी, यहाँ पे ये हवा हल्की होकर के ऊपर कहाँ उठ गई? इसको मिल गई। हवा हल्की होकर के किसको मिल गई? इन वेस्टर्लीज को मिल गई। ये जो परमानेंट थी, इनकी डायरेक्शन यहाँ पे आ गई, यहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो इस तरीके से अपनी क्या हो गई? एक लो प्रेशर बेल्ट बन गया। अब यहाँ पे जाकर के जब ये जमा हो रही है, तो यहाँ पे किस प्रकार का बेल्ट बनेगा? हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा। अब ये बोथ साइड में चलेगा, ये हाई प्रेशर का बेल्ट है, ये हाई प्रेशर का बेल्ट है, फिर यहाँ पे लो प्रेशर का बेल्ट है, फिर लो प्रेशर का बेल्ट है। अब काउंट करो अपनी हो रही है क्या? 1 2 इस साइड भी होगी, इसी से काउंट कर लो। 1 2 3 4 और 5 6 7 इक्वेटर वाली एक काउंट होगी, पोलर दोनों साइड में, नॉर्थ और साउथ पोल में। 7 लिखे है ना अपन ने? 7 प्रेशर बेल्ट बनते हैं। क्यों लिखे अपन ने 7 प्रेशर बेल्ट? 7 प्रेशर बेल्ट क्यों लिखे अपन ने? बहुत हेमिस्फीयर की वजह से। क्लियर? बाकी नेक्स्ट कल करेंगे। यस, आप लोग यहीं बैठे बैठ कर दीजिए। वेट वेट वेट,